Curitiba. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका सोशल जानवरों में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पासपोर्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट ECR है या ECNR है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, बताने से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट में किया कहा था कि भाई क्या हमको 3 साल कंटिन्यू रुकना पड़ेगा, या अगर हम 2 साल पे छुट्टी पे गए थे वापस आ गए तो हमको 3 साल तो हो गया है, तो क्या हमको 3 साल में हमारा ECNR पासपोर्ट हो जाएगा या हमको कंटिन्यू 3 साल रुकना पड़ेगा। तो भाई, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपको कंटिन्यू 3 साल रुकना पड़ेगा, आपको सिर्फ 3 साल विदेश में रहना है। ठीक है, अगर आप 1 साल पर सफ़र किए हो या 2 साल पर सफ़र किए हो वो आपका कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ मायने रखता है कि आप 3 साल आपका यानी विदेश में हो गया या नहीं हुआ है। अगर आपका 3 साल विदेश में हो गया तो आप कभी भी जाकर अपने पासपोर्ट को ECNR करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कैसे आप अपने पासपोर्ट को ECNR चेक कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट ECNR है या ECR है। दोस्तों, आपको ये बता दें, अगर आप विदेश में रहते हैं 2017 में अगर आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाया या 2018 में आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाया है तो आपका पासपोर्ट ECNR हो गया होगा। तो कैसे पता करें, हम आपको इसी वीडियो में यही बताने वाले। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने दो पासपोर्ट पड़े हुए हैं, एक ECNR है और ये ECR है। ठीक है, तो दोस्तों जो ECNR है वो ये है और ECR ये है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ECR को ओपन करके दिखा देता हूँ। जब आप ये पहला पेज ओपन करेंगे दोस्तों, तो ये वाला जब आप ये पन्ना ओपन करते हैं, सबसे पहले वाला पन्ना, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट ECR। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट ECR। अगर आपका ये लिखा है तो समझ जानिए आपका पासपोर्ट ECR है। अगर आपका पासपोर्ट ECR नहीं है तो आपका पासपोर्ट ECNR है, तो आपको क्या होगा। तो चलिए मैं इसको देखता हूँ। तो जब दोस्तों ये ओपन पेज ओपन करते हैं ये वाला, उसके बाद जब दोस्तों ये पहला पेज आप इसका ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। जब ये कुछ भी नहीं लिखा होगा तो समझ जाना आपका पासपोर्ट ECNR है। दोस्तों, ये जो पासपोर्ट है ये पहले ECNR था, बाद में इसको ECNR किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो पासपोर्ट हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहला भी दूसरा वाला भी दिखा देता हूँ। तो पहला ने आपने देख लिया है कि ये जब ये पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये ECNR है। जब ये पहले यानी पहले जब ECR था तो कैसे था, जब हम ये इसको ओपन करते हैं, जब ये पेज को जो पहला वाला पेज को ओपन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट ECR। तो पहले ये जब पासपोर्ट ECR था तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट ECR। तो दोस्तों, अगर आपका आपका पेज यहाँ पे आपका पासपोर्ट में ये लिखा हुआ है तो आपका समझ जाना आपका पासपोर्ट ECR। अगर ये जिसका पेज सादा है, इधर का पेज सादा आता है, पहला पेज अगर सादा आता है तो समझ जाना कि आपका पासपोर्ट ECNR है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने पासपोर्ट को पता लगा सकते हैं कि आपका पासपोर्ट ECR है या ECNR है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और मेरे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।